अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की वीडियो आप लोगों के लिए एक हाईली प्रॉफिटेबल वीडियो होने जा रही है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं एक ऐसी कंपनी डिस्कस करने जा रहा हूँ जो इस वक्त सस्ती तरीन कीमत में मिल रही है पूरे सेक्टर में। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये अर्निंग से भी ज़्यादा, बल्कि अपने प्राइस से भी ज़्यादा इसने डिविडेंड अनाउंस किया था। तो जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ वो है लाल पीर पावर कंपनी लिमिटेड। लाल पीर पावर लिमिटेड मैंने हमेशा से आपको रिकमेंड किया है, और उस वक्त रिकमेंड किया था जब ये शेयर 14 रुपये पर ट्रेड हो रहा था। इसने अपनी प्राइस से भी ज़्यादा का जो डिविडेंड है वो अनाउंस किया था, ऑलमोस्ट 15 रुपीज़। तो मैंने आपको उसके बाद भी मैंने आपको कहा था कि ये स्टॉक आगे भी अच्छा डिविडेंड देगा, और अब इसने पहले ही क्वार्टर में शानदार अर्निंग के साथ अच्छा डिविडेंड अनाउंस किया अपने शेयर होल्डर्स के लिए। तो पूरे पावर सेक्टर में ये वाहिद कंपनी है जो इस वक्त सस्ती तरीन कीमत में मिल रही है, सबसे ज़्यादा अर्निंग और सबसे कम प्राइस वाली कंपनी है इस वक्त पावर सेक्टर में। तो ये स्टॉक आपको काफ़ी फ़ायदा दे सकता है। तो जिन लोगों के पास ये शेयर है और जो लोग इसको फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं डिटेल में बात करूँगा लाल पीर पावर लिमिटेड पर, और आपको स्ट्रेटेजी बताऊँगा कि इस स्टॉक से आप कैसे डिविडेंड और कैपिटल गेन अवेल कर सकते हैं, वो भी शॉर्ट टर्म में। तो व्यूवर्स, मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। तो सबसे पहले बात करेंगे लाल पीर पावर लिमिटेड की करंट प्राइस की। करंट प्राइस इस वक्त ये 21 रुपये पर ट्रेड हो रहा है, और कल ही इसने जो है वो डिविडेंड भी अनाउंस किया है 2 रुपये का। लेकिन अभी भी इसमें एक ये अपॉर्चुनिटी है कि ये स्टॉक जो है वो काफ़ी ऊपर जा सकता है, क्योंकि डिविडेंड के साथ साथ इसने शानदार रिजल्ट अपना अनाउंस किया है, जिसमें इसकी अर्निंग जो है वो पहले ही क्वार्टर में बढ़ चुकी है। मार्केट कैप की बात करूं तो 8.28 बिलियन की इसकी मार्केट कैप है, और ईपीएस एक क्वार्टर का है 2023 में, सिर्फ एक क्वार्टर में इसकी जो अर्निंग है वो 3.81 है। तो ये अर्निंग इसकी उस वक्त से भी ज़्यादा है जब ये अपने हिस्ट्री के हाई पर था। तो एक अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए कि अगर इस स्टॉक में जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं उनके लिए भी मौका है, और जिन लोगों ने इसको उस वक्त ख़रीदा था जब मैंने आपको कहा था ये 14 रुपये पर ट्रेड हो रहा था, तो वो लोग भी इसको होल्ड रख सकते हैं। ये आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा स्टॉक, और आने वाले दिनों में ये डिविडेंड अपना मज़ीद बढ़ाएगी कंपनी, क्योंकि कंपनी की अर्निंग बढ़ रही है तो डेफिनेटली इसका डिविडेंड भी बढ़ेगा। बुक वैल्यू इसकी 42 रुपीज़, आप देखें 42 की बुक वैल्यू है, और ऑलमोस्ट अपनी बुक वैल्यू से आधी कीमत पे ये शेयर मिल रहा है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू से काफ़ी कम कीमत में मिल रहा है इस वक्त लाल पीर पावर लिमिटेड। अगर मैं वैल्यू की बात करूँ तो इस वक्त ये ऑलमोस्ट 45 रुपीज़ इसकी वैल्यू बनती है इस स्टॉक की। डिविडेंड इसने 2 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है, और अच्छा मौका है उन लोगों के लिए जो लोग डिविडेंड वाले स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और डिविडेंड लेना चाहते हैं। तो लाल पीर पावर लिमिटेड में जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं वो इसको ख़रीद सकते हैं और इसका डिविडेंड भी ले सकते हैं। डिविडेंड के साथ साथ आपको ये कैपिटल गेन भी देगा अच्छा, क्योंकि 21 रुपये पर इसकी जो प्राइस है वो जस्टिफाई नहीं है, और ये अभी आने वाले दिनों में मज़ीद मूव बनाएगा, क्योंकि मार्केट तेज़ी से ऊपर जा रही है। और मैंने आपको कहा था कि मार्केट, आप देखें कि जब मार्केट 64,000 के लेवल पर थी, तो उस वक्त मैंने आपको कहा था कि मार्केट 70,000 का लेवल क्रॉस करेगी और मार्केट उसके बाद भी रुकेगी नहीं। तो आज मार्केट 72,000 का लेवल क्रॉस कर चुकी है। तो व्यूवर्स, लाल पीर पावर लिमिटेड का जो लोग डिविडेंड लेना चाहते हैं उनके लिए एक्सेलेंट मौका है, वो इसको अवेल करें। और इसकी जो एक्स डेट है वो 6 मई 2024 है, तो 6 मई से पहले पहले इस स्टॉक को होल्ड रखें, ताकि आपको इसका डिविडेंड भी मिल जाए। हिस्ट्री का हाई इसका 40 रुपीज़ है, जो 2015 में इसने बनाया था। तो हिस्ट्री का हाई जब 40 रुपीज़ था, तो उस वक्त इस शेयर की जो अर्निंग थी वो आज जो अर्निंग इसने शो करी है उससे काफ़ी कम थी। तो अब अर्निंग भी काफ़ी बढ़ गई है कंपनी की, और मैं समझता हूँ कि जो प्राइस है वो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकती है। तो ऑलमोस्ट ये आपकी इन्वेस्टमेंट को डबल कर सकता है स्टॉक। तो लाल पीर पावर लिमिटेड हमेशा से मेरा रिकमेंडेड शेयर रहा है, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इसमें ज़रूर आप लोग इन्वेस्टमेंट करें और डिविडेंड से फ़ायदा उठाएँ। व्यूवर्स, मेरी कोशिश होती है कि मैं टाइमली अच्छे से अच्छे स्टॉक्स के बारे में आपको गाइड करूं, ताकि आप लोग स्टॉक मार्केट से ज़्यादा पैसा कमाएं और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो व्यूवर्स, आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए एक वैल्यू एडिशन साबित हुई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट पर अपनी राय दें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।